हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा में एक स्ट्रिंग प्रोग्राम जो कि बेस्ड होने वाला है यूनिक स्ट्रिंग के ऊपर। सो अब यूनिक स्ट्रिंग क्या होती है पहले तो हम इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद इस पे बेसिक जावा प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम बात करें कि यूनिक स्ट्रिंग की, सो एक यूनिक स्ट्रिंग एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें कि सारे लेटर्स आपके यूनिक हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है कंप्यूटर, तो अगर आप इसके सारे लेटर्स देखोगे तो इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, देखो सी भी एक बार आया है, ओ भी एक बार आया है, एम भी एक ही बार आया है, पी यू टी ई आर सारे लेटर्स एक एक बार ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स कोई भी लेटर यहाँ पे देखो रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिक वर्ड्स और यूनिक स्ट्रिंग्स। और एक और एग्जाम्पल देखो लाइक एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में आपको स्टार्टिंग में ही दिख गया ए डबल पी, पी और पी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, एंड एल आई सी ए, ए देखो दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, टी आई आई भी देखो दोबारा रिपीट हो गया। तो इस तरह अगर आपका कोई भी वर्ड रिपीट ना हो रहा हो, बेसिकली कोई भी लेटर रिपीट ना हो रहा हो उस वर्ड में, तब वो स्ट्रिंग क्या होगा, यूनिक स्ट्रिंग होगा। एंड अगर कोई भी लेटर वहाँ पर रिपीट हो रहा होगा तो फिर वो स्ट्रिंग यूनिक स्ट्रिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है यहाँ पे जो ये चेक कर सके कि यूज़र ने जो वर्ड इनपुट किया है वो एक यूनिक वर्ड है या फिर नहीं है। तो ये चीज़ हम चेक कैसे करेंगे, चलो अभी देखते हैं। सपोज़ यूज़र ने हमें एक इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं, ये जो एग्जांपल में दिया हुआ है इसी को मान लेते हैं। सपोज़ हमारे पास इनपुट आया कंप्यूटर, ठीक है, यूज़र ने हमें एक स्ट्रिंग में दे दिया कंप्यूटर। अब हमें इस स्ट्रिंग को या इस वर्ड को चेक करना है कि ये यूनिक है कि नहीं है। तो कैसे चेक कर सकते हैं इसको? अब इसको चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है काउंटर वेरिएबल्स मान के, मतलब एक पूरा पूरा काउंटर एरे मान के, तो वैसे भी हम कर सकते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा आसान वाला मेथड डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोग अगर आप लोग को वो वाला मेथड चाहिए होगा जहाँ पे हम काउंटर एरे बनाते हैं, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, मैं उसके ऊपर एक और दूसरा वीडियो बना दूंगा। सो पहले हम फर्स्ट मेथड यहाँ पे देखते हैं। सो मान लो आपके पास ये स्ट्रिंग है और आपको चेक करना है कि ये यूनिक है कि नहीं। सो फर्स्ट मेथड कैन बी कि आप यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को एक एक करके चूज़ करो। लाइक पहले आप सी को चूज़ करो एंड देन ओ को, एम को, पी को, यू टी और ई को, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर तक आप जाओ। और उसके बाद आप इस कैरेक्टर को अपने आगे वाले हर कैरेक्टर से कंपेयर करा के देखो। लाइक सी को ओ से चेक कराओ, क्या सी ओ के बराबर तो नहीं है? फिर सी को एम से चेक कराओ, क्या सी एम के बराबर तो नहीं है? फिर पी से एंड सो ऑन, कहाँ तक, लास्ट कैरेक्टर तक। आप बेसिकली ये चेक कर रहे हो, आप एक कैरेक्टर उठा रहे हो एंड उसको चेक कर रहे हो आगे से, क्या वो रिपीट तो नहीं हो रहा आगे कहीं। देन इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप सेकेंड कैरेक्टर उठाओगे ओ एंड इसको चेक करोगे क्या ये कहीं आगे रिपीट तो नहीं हो रहा है। एंड फर्दर आप एम को उठाओगे यहाँ से एंड एम को चेक करोगे कि एम तो कहीं आगे रिपीट नहीं हो रहा। एंड ये चीज़ चलती जाएगी कहाँ तक, जब तक आप ई पे नहीं पहुँच जाते हो, बिकॉज ई के आगे सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो आप ई पे आके रुक जाओगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस प्रोग्राम में आपको बेसिकली कंपेरिजन के लिए या चेक करने के लिए दो लूप लगाने पड़ेंगे। सो फर्स्ट लूप जो आपका होगा वो होगा आई स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ तक, लेस देन टू एल माइनस वन, तो देखो यहाँ पे होता है आर, मतलब लास्ट जो लेटर आपका होता है वो होता है एल माइनस वन, तो हमें एल माइनस टू तक चलाना होगा ये लूप को। क्यों? बिकॉज हमें ई तक ही आना है, बिकॉज ई के आगे कैरेक्टर बचेगा, हमें उसी से कंपेरिजन करना होगा लास्ट। तो जो पहला लूप आपका होगा वो जीरो से लेके लेंथ से दो कम तक चलेगा, मतलब सेकेंड लास्ट कैरेक्टर तक ही चलेगा। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आई पोजीशन वाला कैरेक्टर आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ सी एच इज इक्वल टू, मान लो एस स्ट्रिंग है, एस में है, तो एस डॉट कैरेट आई। तो आपने क्या किया, एक लूप चलाया एंड लूप बेसिकली यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक जा रहा है और आप एक एक करके कैरेक्टर वहाँ से निकालते जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम एक और लूप चलाएंगे जो कि जे का होगा। एंड ये अब क्या होगा, अब मान लो एक कैरेक्टर तो आपके पास सी आ गया, अभी सी को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है अपने आगे वाले कैरेक्टर्स से। तो इसके आगे वाले कैरेक्टर्स कहाँ से होंगे, जैसे कि ये मान लो ज़ीरो पे है, तो इसके आगे वाला कैरेक्टर कहाँ होगा, वन पे, देन टू पे, देन थ्री पे।
सो जे वाला लूप हम चलाएंगे इसके एक आगे से। तो जे का स्टार्टिंग जो होगा वो होगा फ्रॉम आई प्लस वन टू, एंड अभी हमें लास्ट तक के कैरेक्टर को मैच करना है, तो 0 to L-1 तक हमें लूप चलाएंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे बारी बारी से हम एक कैरेक्टर निकाल लेंगे, एक ले लेते हैं CH1, ठीक है CH1, और अब हम कैरेक्टर निकालेंगे ये J वाला, CH1 विल बी इक्वल टू S. कैरेट J। तो एक CH के लिए आपको J में एक बार O मिलेगा, एक बार M मिलेगा, एक बार P, फिर U, फिर T, फिर E, फिर R, और यहाँ पे आप चेक करते जाओगे दैट इफ CH इज डबल इक्वल टू CH1। तो बेसिकली आप कंपैरिजन करा रहे हो इस पर्टिकुलर एक कैरेक्टर का, मान लो सी कैरेक्टर आपके पहले आई में है, और आप इसका कंपैरिजन जे वाले कैरेक्टर से यानी कि इसके आगे वाले सारे कैरेक्टर से एक एक करके कंपैरिजन कराओगे कि कहीं पे ये वाला कैरेक्टर अगले वाले कैरेक्टर से इक्वल तो नहीं है। अगर ये कैरेक्टर कहीं पे भी इसके इक्वल होता है तो आप एक काउंटर वेरिएबल बाहर ले लेना, इंट एन इज इक्वल टू 0, ये काउंटर वेरिएबल हो गया। एंड अगर कहीं पे भी कोई रिपीटिशन मिलता है, मतलब कोई एक कैरेक्टर अपने आगे वाले कैरेक्टर से मैच करता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, N++, मतलब काउंटर वेरिएबल को एक आगे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इससे होगा क्या, सारे कैरेक्टर्स अपने आगे वाले कैरेक्टर से कंपेयर होंगे, एंड कहीं पे भी कोई भी कैरेक्टर अपने आगे वाले कैरेक्टर से अगर मैच कर रहा है तो ये एन का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रोग्राम के एंड में आप ये चीज़ कंडीशन लिख सकते हो वहाँ पे, इफ़ एन इज ग्रेटर देन 0, मतलब कहीं पे भी कोई कैरेक्टर भी अगर रिपीट हो गया है, सो SOPLN द स्ट्रिंग इज नॉट यूनिक, तो स्ट्रिंग हमारा यूनिक नहीं होगा। एल्स अगर एन का वैल्यू नहीं आगे बढ़ा है, एन का वैल्यू अभी भी 0 ही है, तब आप क्या प्रिंट कर दोगे, SOPLN स्ट्रिंग इज यूनिक। तो ये होगा हमारा प्रोग्राम का बेसिक लॉजिक, बेसिक क्या पूरा पूरा लॉजिक यही है। तो अभी इसको हम ब्लूजे पे बना के देखते हैं, या ब्लूजे पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रोग्राम वर्क करेगा। सो यहाँ ब्लूजे पे मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम ले लिया है यूनिक, एंड इसके अंदर मैंने बनाया है मेन फंक्शन, एंड मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्कैनर क्लास की हेल्प से एक स्ट्रिंग इनपुट करा लिया है इन दी वेरिएबल str। ठीक है, तो str वेरिएबल में एक स्ट्रिंग यूज़र ने इनपुट किया है, बेसिकली वो एक वर्ड होगा, एंड हमें उसी वर्ड को चेक करना है क्या वो वर्ड यूनिक है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे दैट उस वर्ड को जो भी str में आया है, यूज़र ने इनपुट किया है, हम उसको अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। अपर केस में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे जो लेटर्स हैं वो एक जैसे हो जाए, एंड उनको चेक करना एक के आगे वो ईजी हो जाए। मान लो फर्स्ट लेटर यूज़र ने कैपिटल दे दिया एंड आगे के लेटर्स स्मॉल दे दिए, तो हमें उनको कंपेयर करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम सारे लेटर्स को अपर केस में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, वी विल राइट str इज इक्वल टू str.to अपर केस। सो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट होके str वेरिएबल में ही सेव हो जाएगा। सो अब इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे l वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग का लेंथ स्टोर कर लिया है। ठीक है, आगे हमें इसका भी यूज़ पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे एल वेरिएबल में स्ट्रिंग का लेंथ स्टोर कर लिया है पहले से। इसके बाद हमें एक काउंटर वेरिएबल चाहिए जो कि मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है, तो काउंटर वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है एन, और उसका वैल्यू हमने इनिशलाइज कर दिया है 0 से। इसके बाद जैसा कि मैंने लॉजिक में आपको बताया था, हमें एक लूप चलाना होगा आई का 0 से लेके L-1 से भी लेस देन तक, मतलब बेसिकली L-2 तक ही चले गए। ठीक है, L से 2 कम तक चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे सिंबल आप देखो आई इज लेस देन L-1 है, तो 0 to L-2 ये लूप चल रहा है, एंड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इनिशियल कैरेक्टर इस स्ट्रिंग का निकाल के स्टोर कर रहे हैं सी एच के अंदर। देन उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आगे के हम सारे कैरेक्टर्स एक एक करके निकालेंगे कैसे, जे वाले लूप में, तो जे वाला लूप कहाँ से चलेगा, आई के एक आगे से, एंड जे लेस देन एल फाइनल लेंथ तक चलेगा, लेंथ से मतलब एक कम तक, और जे प्लस प्लस। उसके बाद हम एक एक कैरेक्टर यहाँ पे निकालते जाएंगे, कहाँ सेव करेंगे उसको, CH1 कैरेक्टर वेरिएबल में। देन हम कंपेयर करेंगे इफ CH इज डबल इक्वल्स टू CH1, मीन्स कहीं पे भी अगर कोई कैरेक्टर्स, कोई दो कैरेक्टर्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एन वेरिएबल को इंक्रीज कर दोगे, मतलब काउंटर वेरिएबल को वहाँ पे इंक्रीज कर दोगे।
और यहाँ पे कोई हमें काउंटिंग एज सच तो करनी नहीं है, बस हमें ये पता लगाना था कि कहीं भी कोई सिंगल रिपीटेशन भी तो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आपको एक रिपीटेशन मिलेगा, वहाँ पे इस लूप से ब्रेक लगा के बाहर आ जाओगे। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ब्रेक स्टेटमेंट। तो कहीं पे भी अगर कोई दो कैरेक्टर्स यहाँ पे रिपीट हो गए, तो वहाँ पे क्या होगा, ये दोनों लूप से बाहर आ जाएंगे हम। सो इन दोनों लूप्स के बाद यहाँ पे फाइनली हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है, इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स कहीं पे भी अगर कोई भी दो लेटर्स अगर रिपीट हो रहे थे, तब हमारा एन का वैल्यू इंक्रीज हो गया होगा, एंड वी हैव प्रिंटेड दैट द स्ट्रिंग इज़ नॉट अ यूनिक स्ट्रिंग। एंड अगर मान लो एन का वैल्यू नहीं इंक्रीज हुआ, मतलब कोई भी दो स्ट्रिंग, कोई भी दो लेटर्स कॉमन नहीं थे, कोई भी दो लेटर्स रिपीट नहीं हुए थे, तब प्रिंट होगा इट इज़ अ यूनिक स्ट्रिंग। सो अभी हम इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। सो कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर। एंड सो यहाँ पे ओपन होके आ गया हमारा टर्मिनल विंडो। सो यहाँ पे हम इनपुट देके देखते हैं, लाइक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इट इज़ अ यूनिक स्ट्रिंग। एंड एक और यहाँ पे इनपुट देके देखते हैं, एप्लीकेशन। सो यहाँ पे एप्लीकेशन हमने इनपुट किया, एंड हमें यहाँ पे पता है कि एप्लीकेशन एक यूनिक स्ट्रिंग नहीं होता है, तो एंटर करते हैं। सो प्रोग्राम हैज़ गिवन इट इज़ नॉट अ यूनिक स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है। सो ये हमारा प्रोग्राम। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।